हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्डमिन क्लासेस। मेरे चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज मैं आपको 17 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के साथ, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस मोदी रिव्यूज़ इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इकोनॉमी सेकेंड स्टिमुलेशन कंसिडरेशन। मतलब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे ये बोला जा रहा कि जो कोरोना वायरस के कारण मोदी जी ने जो है कोरोना वायरस पर इकोनॉमी का रिव्यू दिया है, मतलब अर्थव्यवस्था पे, कि अभी भारत का अर्थव्यवस्था कैसा चल रहा है। तो उसमें मोदी जी ने क्या किया, फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं उनके साथ मीटिंग बैठाई, ठीक है। और उस मीटिंग में क्या बात हुआ कि लाखों लाख पीपल लोग जो है गरीब होते जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इस कोविड-19 के कारण क्या हो रहा ना कि भारत का अर्थव्यवस्था पर ऐसा असर पड़ रहा है कि स्मॉल इंडस्ट्री से लेकर के जो एविएशन है यानी जो मध्य स्तर तक का जो इंडस्ट्री है सभी पे एकदम धीरे धीरे करके पूरा अफेक्ट कर रहा। अब अभी क्या है कि अभी तो सभी लोग तो घर में हैं, तो जाहिर सा बात है कि कुछ काम तो हो नहीं रहा है, जिसके कारण से पूरा अर्थव्यवस्था भी पूरा डूबा हुआ है। और एक चीज़ क्या निकल कर आया फ्रेंड्स SBI के सामने से कि इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में कम डाउन टू 1.1%। अब देखिए फ्रेंड्स, भारत का जो इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो भी 1.1% से घट गया है, और ये SBI का रिपोर्ट में आया है कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो 1.1% से घट चुका है। एक तो पहले से ही हमारा 4.8% है, ऊपर से और ये घट के कितना हो गया, 3.7% हो गया हम लोग का अर्थव्यवस्था। यानी देख रहे हैं ना, इस कोविड-19 के कारण हमारे भारत का अर्थव्यवस्था कितना गिरता ही जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा आज का कि कोरोना वायरस 89 क्वारंटाइन इन डेली आफ्टर पिज़्ज़ा डिलीवरी मैन टेस्ट पॉजिटिव। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी आप सभी के लिए, वो इसलिए कि देखिए क्या हुआ ना, इस कोरोना वायरस के कारण सभी तो होम क्वारंटीन कर दिया गया। अब यहाँ पर किसी एक आदमी को क्या पता क्या शौक हुआ पिज़्ज़ा खाने का, उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाया। अब उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर तो करवा दिया, अब जो डिलीवरी बॉय है, ठीक है, जो पिज़्ज़ा पहुँचा रहा है उसके घर में, उसको कोरोना वायरस पकड़ा हुआ था, मतलब कि उसे कोरोना वायरस हुआ था, ठीक है। अब वो जब घर गया पहुँचाने के लिए तो वहाँ से एक आदमी को कोरोना वायरस हुआ, अब वहाँ से पूरा सोसाइटी में फैल गया। टोटल वहाँ पे 17 पीपल को फैला, मतलब टोटल वहाँ पे 12 फैमिली को फैला हुआ है उस एरिया में, कहाँ पे, साउथ दिल्ली में। टोटल 12 फैमिली को ये कोरोना वायरस फैल गया उस डिलीवरी बॉय के कारण, ठीक है, जिसमें 12 फैमिली यानी कि जिसमें 72 पीपल जो थे सबको क्वारंटीन कर दिया गया है, मतलब 12 फैमिली को क्वारंटीन कर दिया गया है। और जो डिलीवरी बॉय के जो टोटल जो उसमें जो जो इंक्लूडिंग थे मेंबर सब, जैसे कि 17 पीपल उसमें थे, जिसमें हो गया कि शॉप का जो ऑनर थे, फिर जो डिलीवरी बॉय खुद था, और फिर जो उसमें जो जो आता है उन सभी मिला करके जो 17 लोगों को, उन लोगों को भी क्वारंटीन कर दिया गया है, ठीक है। यानी देख रहे हैं ना, इतना महामारी के कारण भी लोग अपना इच्छा पूर्ति करने के लिए बाज नहीं आ रहे। बोला जा रहा है कि बाहर का सामान आप मत खाइए, लेकिन फिर भी वो नहीं सुन रहे हैं। अभी वो लोग भुगतेंगे 14 दिन हॉस्पिटल में आराम से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कोरोना वायरस के ऊपर, ये क्या है, यूरोप कोविड-19 डेथ टॉल टॉप्स 90,000। क्या बोल रहा है कि जो यूरोप है, यूरोप कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है हमारे साउथ एशिया में, ठीक है, दक्षिण भारत में ये जो है यूरोप है। तो यूरोप में देखिए 90,000 से भी ज़्यादा मौत अभी तक, मतलब आज, मतलब कल तक का ये डेटा है कि अभी तक 90,000 से भी ज़्यादा लोगों का वहाँ पर मृत्यु हो चुका है। टोटल वहाँ पे कितना केस आया है कि कितना लोगों को कोरोना वायरस पकड़ चुका है, तो उन्होंने वहाँ पे टोटल केस आया है 10,47,279 केस आ चुका है, ठीक है, जिसमें 90,180 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और जिसके कारण से पूरा वर्ल्ड में, ठीक है, पूरा वर्ल्ड में कितना लोगों का मतलब हुआ है, तो पूरा वर्ल्ड में जो मृत्यु हुआ है वो है इतना 13,07,499, इतना लोगों का मृत्यु हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। देख रहे हैं ना कितना सारा मृत्यु हुआ जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या बोला जाए, लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर करवा के खा ही रहे हैं, घर में बनाकर खाना चाहिए, इससे इसी बहाने कुछ सीख भी जाएंगे बनाने के लिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि उड़िया न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे इन 2020, मतलब कि उड़िया दिवस जो है कब मनाया गया था 2020 में। तो ये मनाया गया था हमारा ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल को, ठीक है। जैसे कि बंगाली लोग का जो नया साल कब मनाया गया, तो 15 अप्रैल को मनाया गया, आपको पता ही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि 15 अप्रैल को क्या था, नया बैशाख था। उसी तरीके से दो नंबर क्वेश्चन है हमारा क्या, ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी जो मैंने आपको बताया यूरोप का खबर उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस,
मतलब वही कि साउथ एशिया के जो अर्थव्यवस्था है उस पर फोकस रखते हुए, और इसको साइड में क्या कहा जाता है, SAEF, ठीक है, SAEF इसका शॉर्ट नेम है। इसे फोकस रखते हुए जो है वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला कि जो COVID-19 है साउथ एशिया पर बहुत ही बुरा प्रभाव किया है, मतलब कि बहुत ही बुरा तरीके से इस पर जो हिट करेगा, अभी तो हिट कर चुका है, अभी और हिट करने वाला है, जिसके कारण से वहाँ पर जो गरीबी संख्या है और बढ़ता ही जा रहा है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आखिर गरीबी संख्या कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि लोग काम नहीं करेंगे तो कमाएंगे कहाँ से, और वहाँ से इकोनॉमिक बढ़ेगा कैसे, तो इतना कुछ हो ही नहीं रहा है, जिसके कारण से और गरीबों की संख्या बढ़ते ही जा रहा है। तो विश्व बैंक बोला है कि हम जो है वहाँ पे उसको जो सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, वेन वाज वर्ल्ड बैंक फॉर्म्ड, स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था हमारा ऑप्शन नंबर सी जुलाई में 1944 ईस्वी में, ठीक है, 1944 ईस्वी को जुलाई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि बांग्लादेश के फॉर्मर प्रेसिडेंट कौन थे, तो शेख मुजीबुर रहमान। मैंने आपको इसके बारे में बहुत बार बताया है कि बांग्लादेश के जो पूर्व राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान, उनका जो है मृत्यु करवा दिया गया था, मतलब उनका जो हत्या करवा दिया गया था, किसने करवाया था हत्या, तो हत्या करवाए थे अब्दुल माजिद ने करवाया था, ठीक है, ढाका में हत्या करवा दिया गया था। तो उनको जो है हाल ही में, अभी कल का बात है, उनको हाल ही में ढाका में जो फांसी दे दिया गया, क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंट का जो हत्या करवाया था इसीलिए उनको जो फांसी दे दिया गया। तो अभी जो है वर्तमान राष्ट्रपति कौन है बांग्लादेश के, तो अभी जो है वर्तमान राष्ट्रपति है बांग्लादेश से कौन, तो मोहम्मद अब्दुल हमीद। कौन है, तो मोहम्मद अब्दुल हामिद है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का कि अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हाउ मेनी वैक्सीन्स आर अंडर वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ COVID-19। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हम सभी के लिए कि अभी क्या हो रहा है, अभी जो है COVID-19 से बचने के लिए जो है वैक्सीन का तैयार किया जा रहा है, ठीक है, मतलब कि जो टीका होता है, जो सुई होता है, इंजेक्शन होता है, उसका जो निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि कितना वैक्सीन है, जो टोटल जितना भी जो टेस्ट है, टोटल इंसान का 6 टेस्ट हो रहा है, वो 6 टेस्ट को पास कर चुका है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी 40 वैक्सीन जो है ऐसा बचा है जो इस सभी 6 टेस्ट को यानी 6 स्टेज को पार करके सभी टेस्ट में ये पास हो चुका है। टोटल कितना, 60,000 वैक्सीन था, ठीक है, टोटल 60,000 वैक्सीन में सिर्फ 40 वैक्सीन ही ऐसा बना जो स्टेज 6 यानी कि जितना स्टेज है कोरोना वायरस को सभी को पास कर चुका, अब बाकी सभी वैक्सीन जो फेल हो चुका यानी बाकी सभी वैक्सीन बेकार हो गया, सिर्फ 40 वैक्सीन ऐसा काम का है जो सभी टेस्ट को पास कर चुका है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर जो एप्पल है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। स्मार्टफोन का जो मैन्युफैक्चरर है एप्पल कंपनी, उन्होंने क्या किया है किसके साथ, ठीक है, उन्होंने किस कंपनी के साथ जो एक मिलकर के एक सॉफ्टवेयर बना रहा है, तो मैं आपको थोड़ा इसका आंसर बता दूं पहले। तो जो है स्मार्टफोन जो एप्पल कंपनी है वो गूगल के साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर बना रही है, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर कैसा होगा, तो ठीक आरोग्य सेतु के जैसा ही वो काम करेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये आरोग्य सेतु के जैसा ये काम करेगा, तो आरोग्य सेतु तो है, तो फिर ये बना क्यों रहा है, तो ये आरोग्य सेतु के जैसा ये जो सॉफ्टवेयर बना रहा है वो इसलिए बना रहा है, इसका मकसद ये है बनाने का कि आपके फ़ोन में, ठीक है, इसमें आरोग्य सेतु में क्या है, इसको आपको ऑन रखना पड़ेगा, जिसमें आपका क्या होगा कि आपका जो ब्लूटूथ भी ऑन हो जा रहा है, लोकेशन भी ऑन हो रहा है, बैटरी भी ज़्यादा खपत हो रहा, ठीक है, इसमें आपको एक प्रकार से ऑन रखना पड़ेगा। यदि आप किसी कारणवश इसे ऑन नहीं रख पाते हो तो आपका जो है इसका फ़ायदा आप नहीं उठा सकते, ठीक है। लेकिन ये जो वायरस सॉरी ये जो सॉफ्टवेयर बना रही है एप्पल कंपनी, इसमें आपको कुछ ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपके फ़ोन में आएगा, ये सॉफ्टवेयर आपको मतलब अपने फ़ोन में डालना होगा और ये जो है ऑटोमेटिक पकड़ लेगा कि किसको कोरोना वायरस हो चुका है, इसमें आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। छठा नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का कि 13 अप्रैल 2020 में जालियावाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था, ठीक है, सॉरी 1919 में जो जालियावाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल को, तो उसका जो है एनिवर्सरी, तो ये कितना साल हो चुका है, तो 101 साल हो चुका है जो इसका एनिवर्सरी मनाया गया है, इसका 101 साल जो है इसका वर्षगांठ है, किसका, जालियावाला बाग हत्याकांड का होते हुए 101 साल हो चुका है। सातवां नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का कि DNRLM जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द चैलेंज ऑफ COVID-19 सिचुएशन इन द कंट्री, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ए इन द DNRLM। तो यहाँ पे आपसे देखिए ये बोला जा रहा है फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा इसका पहले आंसर बता दूँ, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंत्योदया, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे ये बोला जा रहा है, मैं थोड़ा इस पर एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ
कि जो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड्स मिशन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है DNRLM, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है चैलेंज को, COVID-19 के चैलेंज को जो है ठीक करने का कंट्रीब्यूट किया, मतलब अपना योगदान दिया है, जिसमें क्या है कि भारत में कुल 690 लाख वुमेन मेंबर है, ठीक है, जिसमें से 63 लाख वुमेन मेंबर जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है तैयार किया है, एक कमेटी तैयार किया जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें जो औरत लोग जो क्या कर रही है सभी जगह जा कर के ये बता रही है ये कोरोना वायरस से क्या बीमारी फैल रहा है, आपसे मतलब जागरूक कर रही है सभी इंसान लोगों को, ठीक है, सभी लोगों को जो है जागरूक कर रही है। तो इस योगदान में यही बोला गया है इस चुनौती में। 8वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ब्रो यानी क्या, ब्रदर नहीं, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ओपन द स्ट्रेटेजिक श्रीनगर ले हाईवे ऑन 11 अप्रैल, ठीक है, एक जो है हाईवे को जो है निर्माण किया है। तो ये जो हाईवे है ये कब बना था, ये जो हाईवे है हमारा बन गया था 1960 में, अभी जाकर उसे खोला गया है, उस हाईवे को अभी 11 अप्रैल को खोला गया है। इस हाईवे के बारे में मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो हाईवे है हमारा वो उस लद्दाख को, ठीक है, लद्दाख विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कनेक्ट करता है, मतलब कि लद्दाख को पूरा बाकी का बचा दुनिया से कनेक्ट करता है। पहले क्या था, अर्लियर में फ्यू ऑयल टैंकर्स एंड अदर इसेंशियल कमोडिटीज़ वर अलाउड टू मूव टुवार्ड्स यहाँ से जोम्बी पास, जो जिला पास, मतलब क्या है कि लद्दाख में जो ज़िला दर्रे हैं, ठीक है, जो वहाँ पे जो ज़िला पास है वहाँ पे जो है फ्यू टैंकर, मतलब बहुत सारे जो फ्यू टैंकर था तो वहीं से पास होता था, ठीक है। तो यहीं पे जो है अब यहाँ पे इसको जो खोल दिया गया है तो इससे क्या हो रहा कि यहाँ से पूरा दुनिया को कनेक्ट किया जा सकता है आसानी से। 9वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश सिटीजन स्टर्लिंग मॉस, जिनका हाल ही में लंदन में जो है निधन हो गया, जिनका उम्र था 90 वर्ष, ठीक है, तो वो जो है किस फील्ड के फेमस पर्सन थे, तो वो थे हमारे फेमस किस चीज़ के, तो Formula 1 रेसिंग ड्राइवर के, वो जो थे रेसिंग के जो फेमस प्लेयर थे, ठीक है। उन्होंने 529 रेस में कुल 212 रेस जीती है और कुल 14 साल उन्होंने रेसिंग किया था, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि युक्ति अवे पोर्टल यंग इंडिया, जिसका फुल फॉर्म क्या है कि यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, जो किस मिनिस्टर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया हमारा किसके द्वारा, तो क्या रमेश पोखरियाल जी के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया इस वेब पोर्टल को, ठीक है। बस अच्छा एक और था हमारा क्या कि विश्वविद्यालय अनुदान, हाँ देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ये बोल रहा है क्या कि जैसे हम लोग का जो क्लास है, जो हम लोग का जो कॉलेज है, इसमें क्या बोला गया कि जो फर्स्ट ईयर है और जो सेकेंड ईयर है उन सभी को पास करवा दिया जाएगा, लेकिन जो थर्ड ईयर है यानी जो लास्ट स्टेज में है एग्ज़ाम का, जो पास आउट होने वाले हैं उन लोगों का एग्ज़ाम होगा, तो उन लोगों का क्लास तो रुकना नहीं चाहिए, तो उन लोगों को ऑनलाइन क्लास करवाने के लिए जो है इन्होंने बोला है, UGC के चेयरमैन जो है बोले हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि UGC के चेयरमैन है कौन जिन्होंने ऑनलाइन सीखने का बढ़ावा दिया है, और अभी आपको पता ही है फ्रेंड्स कि जो ऑनलाइन जो क्लास होने वाला है वो सभी क्लास हमारे जूम ऐप पर होने वाला है, ठीक है। तो ये कौन किया है, तो ये जो इसका चेयरमैन कौन है, तो ये है DP सिंह, ठीक है। और क्या है हमारा, तो बस ये हमारा इसका लास्ट करंट अफेयर क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी अगर आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन हुआ हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आप कमेंट भी कर दीजिएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। मैं आपको मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ।